राजसी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड खरगोन के डायरेक्टर नीलेश गांधी से commoditiescontrol.com ने इस साल मध्य प्रदेश में कॉटन के उत्पादन, आने वाले दिनों में प्राइस मूवमेंट, कॉटन सीड और कॉटन ऑयल केक की स्थिति पर बात की। नीलेश जी, यह बताइए कि मध्य प्रदेश में इस साल कितना कॉटन पैदा होने का अनुमान है? इस साल क्रॉप मध्य प्रदेश में 20 लाख गांठ का आने का अनुमान है। वैसे इस बार यील्ड कम होने की वजह से उत्पादन 3-4 लाख गांठ का कम हुआ है, जिससे क्वालिटी का भी, ऐसे मध्य प्रदेश में अच्छा क्वालिटी है। तो ये जो आपने कहा कि इस साल उत्पादन कम हो रहा है, उसकी वजह क्या रही है? उसकी वजह रही है ज़्यादा बारिश की वजह से, और थोड़ा सीड की प्रॉब्लम की वजह से भी उत्पादन कम हुआ है। इसके अलावा जो है, यहाँ पर जो कॉटन आ रही है, उसकी क्वालिटी और माइक की क्या स्थिति है? क्वालिटी और माइक की स्थिति अभी काफ़ी बेहतर है। अभी तो क्वालिटी वाले माल लेंथ और माइक वाले फुल आ रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ माइक वगैरह माइक कम हो सकता है। अभी फर्स्ट पिकिंग में अराइवल चालू है इधर, और तो दूसरी और तीसरी पिकिंग की आने की कब तक उम्मीद की जा रही है? दूसरी और तीसरी पिकिंग की उम्मीद की जा रही है 15 जनवरी बाद। वो अच्छा, 15 जनवरी बाद स्टार्ट हो जाएगा वो थर्ड पिकिंग का, सेकंड थर्ड पिकिंग। कॉटन में क्या इस समय एक्सपोर्टर की डिमांड है? कॉटन में एक्सपोर्टर की डिमांड काफ़ी अच्छी है, और शिपमेंट भी काफ़ी जनवरी में जाने वाला है। मेरे हिसाब से 20-25 लाख गांठ का शिपमेंट जनवरी में जाएगा जी। जनवरी से अगर हम बात करें तो कॉटन के दाम सीजन के अंत तक किस रेंज में रह सकते हैं? कॉटन के दाम सीजन के अंत तक तो मतलब 5000 की रेंज में, 5000-5500 की रेंज में रह सकते हैं। और निचली रेंज आपके अनुसार क्या रहेगी? निचली रेंज हमारे अनुसार 4500 से 4600 रुपये रहेगी। कॉटन सीड और कॉटन ऑयल केक की बात करें तो उसमें डिमांड और भाव किस तरह मूवमेंट करेंगे अगले एक दो महीने में? कॉटन सीड में तो मार्केट 100-200 रुपीज़ जंप हो जाएगा, और कॉटन केक में भी मार्केट बढ़ना ही है सीड की वजह से, केक में मार्केट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और इन दोनों प्रोडक्ट्स में डिमांड कैसी है इस समय? इस समय डिमांड काफ़ी अच्छी है, कॉटन सीड और कॉटन केक दोनों में डिमांड जनवरी के नेक्स्ट मंथ की वजह से डिमांड अच्छी है अभी। ये कई जगह कहा जा रहा है कि कॉटन काफ़ी गीला आ रहा है, तो उसकी वजह से कॉटन सीड में ऑयल का कंटेंट किस तरह का देखा जा रहा है? कॉटन सीड मॉइस्चर मध्य प्रदेश में तो कम आ रहा है, बाकी अदर स्टेट में मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, उस वजह से ऑयल परसेंटेज कम हुआ है जी। और आपके एरिया में CCI की बाइंग कैसी है? हमारे एरिया में CCI ने कोई बाइंग नहीं किया मध्य प्रदेश में जी, और खरीदी नहीं करा CCI ने। नीलेश जी, आपने commoditiescontrol.com से बात की, इसके लिए धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।